देखो जो पहला सरकार के वादे से सारे नाकामयत ने गे अब सीएम साहब के जो बयान ने उन्होंने देख के लगता भी सानू कितना कितने आस हैगी हैगी भी जो साड़िया मंगा ने गिया भी वो शायद पूरिया हो जाएगी, पर जो पहला वाले सीएम थी उन्होंने सारे वादे झूठे तो नाकामयत ही निकले ने गए। अज के जो सीएम ने चरणजीत चन्नी जी उन्होंने तो सानू उम्मीद है कि आने वाले समय से अपना रोष होर तेज करके असं उन्होंने रिहायश का घराव करांगे तो श्री चमकौर साहब असं अपना धरना भी लगावांगे। तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं अमनदीप सिंह माझा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी बन चुके हैं नवे मुख्यमंत्री। सो साबका मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला असीं मौजूद हाँ, क्योंकि जदों मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह हुंदे सन तां धरनिआं ते धरना पटियाला पूरा धरनिआं दा शहर बन चुकिआ सी। पर जे गल्लबात करिए अज असीं विशेष तौर पर पटियाले च पहुंचिआ, देखिआ कि किन्ने क धरने चक्के गए जां किन्ने क धरने श्री चमकौर साहिब चले गए, क्योंकि चरणजीत चन्नी जो नवें मुख्यमंत्री ने ओह श्री चमकौर साहिब तो ने। सो असीं पटियाले च मौजूद हाँ, तस्वीरां तुहानूं दिखाउणिआं कि फ्रंटलाइन मैडिकल स्टाफ पैरा मैडिकल स्टाफ आ जो उन्हां दा धरना प्रदर्शन पिछले 48 दिनों तो लगातार जारी आ, जानी कि प्रदर्शन कर रहे ने, दिन रात दा धरना चल रहा अते दिन रात दे धरने च हर रोज़ जो मुलाजम ने वो मौजूद रहते हैं अते प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पहला कहा जाता सी कि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा शहर दा घिराओ किया होया, मंगा मनवावांगे। हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्तीफा दे के जो साबका हो चुके हैं अते नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, करांगे गलबात। भाई जी की नाम है अपना? मेरा नाम गुरप्यार सिंह है और मैं जिला वाइस प्रधान हाँ। ठीक है गुरप्यार जी, किन्ने समय तो तुसी इत्थे बैठे हो, लिखिया होया तो 48 दिन तो प्रदर्शन कर रहे हो, तो की मंगा की ने तुहाडी? साडा जो पक्का धरना वो पिछले 48 दिनों तो चल रहा, साडा रोष प्रदर्शन जो लगातार ही चल रहा है, तो साडिया मंगा यही ने भी सानू सरकार ने औखे टाइम कम लैके सानू नौकरी तो कढ़ दिता, असी अपनी बहाली वास्ते लगातार इतने रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 48 दिनों तो इतने पक्का धरना ला के बैठे हैं। पर इस धरने दौरान ना तो साड़ी किसी प्रशासनिक अधिकारी कोई सार ली है और जिन्निया भी अज तक मीटिंगा निकलिया ने वो सारिया बेसिटा ही निकलिया ने। बाकी जे गलबात करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा देता अपने ओहदे तो हुण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर च बैठे हो, शहर हुण बदलोगे चेंज करोगे, की तुहाडा प्रोटेस्ट होगा? देखो असी जो नवीं रणनीति आ उसके हिसाब नाल तैयार करके असी आने वाले टाइम च जो नवे सीएम ने चरणजीत चन्नी जी उन्होंने रिहायश का घरावगी भी करांगे, तो अगर जरूरत पई आने वाले समय जो साडा धरना है वह असी श्री चमकौर साहिब भी लगावेंगे और इतने भी साडा जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, बाकी की लगता तुहानू वड्डा फेरबदल सरकार च आया, मुख्यमंत्री चेंज होए ने, कैबिनेट मिनिस्टर भी लगातार चेंज हो रहे हैं, की लगता जे पहला वादे नहीं मने सी हुण सानू आस आ भी चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री पंजाब बने ने तुहाडे वादे पूरे करनगे? देखो जो पहला सरकार दे वादे सीगे वो सारे नाकामयत ने गे, अब सीएम साहब के जो बयान ने उन्होंने देख के लगता भी सानू कितने कितने आस हैगी हैगी भी जो साड़िया मंगा ने गिया भी वो शायद पूरिया हो जाएगी, पर जो पहला वाले सीएम थी उन्होंने सारे वादे झूठे तो नाकामयत ही निकले ने गे। तो अज के जो सीएम ने चरणजीत चन्नी जी उन्होंने तो सानू उम्मीद है तो आने वाले समय से अपना रोष होर तेज करके असी उन्होंने रिहायश का घराव करांगे तो श्री चमकौर साहिब असी अपना धरना भी लगावांगे। पर पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने अज अपील की आ सारिआं नूं, उन्होंने कहा कि जो भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं इन्हों खत्म करो, सानू समा दो, असी सारिआं दीआं जो भी मंगा ने वो पूरिया करांगे, पर एक बार धरने प्रदर्शन खत्म कर दो, की तुसी अपील मन्नोगे मुख्यमंत्री नवे? देखो अपील मनण नूं देखो ये इसनूं असी राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं गे, क्योंकि अगर दुबारा असी इत्थों धरना चकदे हां तां दुबारा सानूं धरना लगाउण दी परमिशन नहीं देनी हैगी, असी अपना रोष प्रदर्शन इसे तरह ही कायम रखांगे और इसनूं जरूरत पैण ते होर भी तेज करांगे जी। बिल्कुल, पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो चुके हैं, क्योंकि अस्तीफा देता, की लगता उन्होंने अस्तीफा सही दिता जां नहीं दिता, जो बदलाव आया ये चंगे लई आया जां नहीं आया? देखो जो अस्तीफा दिता जा कैबिनेट मंत्रीमंडल जो फेरबदल आ ये जो इन्हां दे राज्यपाल ने जां फिर जो इन्हां दे
मुख्य मंत्री साहब अगे जो बैठे मंत्री मंडल वह उन्होंने हिदायतों के अनुसार ही होया उहदे बारे असीं कुछ नहीं कह सकते जी। वैसे की लगता तुहानूं आस आ जिवें हुण कैबिनेट मिनिस्टर भी बदले ने मुख्य मंत्री भी बदले ने भी किते ना किते गौर की जाऊ जिवें तुसीं बैठे हो जां होर प्रदर्शन कर रहे ने धरने लग रहे ने भी कोई गौर होगी? देखो असीं नवें बने सीएम तो यह उम्मीद करते हैं भी जिन्हें भी धरने इत्थे लगे हुए ने गे भी उन्होंने सारा का सल्यूशन किया जाऊगा क्योंकि सारा यह आस आ क्योंकि मंत्री मंडल के बड़ी फेरबदल हो रही हैगी। जो मंत्री मिनिस्टर से जो पहला बने हुए से अहदेदार से उन्होंने अज तक किसी की ना तो कोई सुनवाई की ना ही किसी का कोई अज तक जो मीटिंग हुई उन्होंने कोई सिट्टा निकला। नवे मंत्री मंडल तो असं उम्मीद करते हैं भी सानू आस आ भी कितना कितने शायद साडा सल्यूशन होगा। वैसे तुम 48 दिन तो बैठे हो ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਓਐਸਡੀ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ 23 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਨੀਨੂ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਗਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।